समीक्षा के बीच कांग्रेस ने फूटा लेटर बम। राजीव भवन में बैठक के बीच बाहर आया एक गुमनाम पत्र। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम से लिखा लेटर, बगैर नाम के लेटर में भूपेश बघेल को ठहराया हार का जिम्मेदार। कहा, भूपेश बघेल के अहंकार की वजह से हार हुई। भूपेश के करीबियों समेत महंत अकबर ताम्रध्वज साहू पर निशाना। पत्र में कहा गया महंत ने भूपेश और डहरिया को निपटाया है। तो ये गुमनाम पत्र है और एक तरफ समीक्षा चल रही है कांग्रेस की और दूसरी तरफ ये लेटर सामने आ गया। अब इस लेटर पर जाहिर तौर पर कई सवाल उठ रहे हैं क्योंकि कई बड़े नाम इस लेटर में हैं जो हम आपको खबर बता रहे हैं। छोटे नाम नहीं है, भूपेश बघेल का नाम है, मोहम्मद अकबर का नाम इसमें लिखा गया है, ताम्रध्वज साहू का नाम इसमें जो है वो भी है। तो तमाम जो बड़े कांग्रेस के लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी के, उन सभी के नाम इसमें हैं। और अभी लेटर किसने लिखा, मंशा क्या है इसकी, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। और ये कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके नाम ये लेटर लिखा गया है। राजीव भवन में बैठक के बीच बाहर आया एक गुमनाम पत्र। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम से लेटर लिखा गया है, बगैर नाम के लेटर में भूपेश बघेल को हार का जिम्मेदार ठहराया गया। कहा, भूपेश बघेल के अहंकार की वजह से हार हुई है। भूपेश के करीबियों समेत महंत अकबर ताम्रध्वज साहू के नाम है। पत्र में कहा गया कि महंत ने भूपेश और डहरिया को निपटा दिया। हार की समीक्षा के बीच कांग्रेस ने यह लेटर बम फूटा है। बड़ी खबर इस वक्त यह आपको बता रहे हैं। हमारे सहयोगी अंकुश इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अंकुश, क्या जानकारी इस लेटर के बारे में? देखिए लोग, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की हार की समीक्षाओं का दौर चल रहा है। अलग अलग संभागों की अलग अलग लोकसभा सीटों की समीक्षा हो रही है। आज उन समीक्षाओं का आखिरी दिन था और राजनांदगांव और दुर्ग लोकसभा सीट की समीक्षा चल रही थी। इसी दौरान एक लेटर बम फूटा है। हालांकि इसमें नाम स्पष्ट नहीं है कि किसने ये लेटर लिखा है, लेकिन इस पूरे लेटर में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम से पूरा लेटर लिखा गया है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इस पूरे हार का जिम्मेदार ठहराया। कुल मिलाकर ठीकरा तोड़ने की इस पूरे लेटर में कोशिश की गई है। फिलहाल इस पूरे लेटर को लेकर प्रदेश कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी भी कोई बयान नहीं आया है, लेकिन छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी को इस लेटर के माध्यम से बड़ा आरोप लगाने का मौका जरूर मिला है। फिलहाल इस लेटर में बहुत सारी और तमाम बातें लिखी गई हैं जिन कारणों से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की हार हुई है। और अब ये लेटर जो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप में जमकर वायरल होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस नेता अंकुश क्या कह रहे हैं इस पर? देखिए कांग्रेस नेता इस पूरे लेटर को लेकर अभी भी कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। और जब किसी बड़े नेताओं से इस विषय में बातचीत की गई तो उन्होंने ये भी कहा है कि उनको अभी इस विषय में जानकारी नहीं है, वो जानकारी जुटाएंगे उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से उस लेटर में बातें लिखी गई हैं वो स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस के ही नाराज नेताओं के माध्यम से ये तमाम आरोप जो है वो लगाए गए हैं और पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं तक ये लेटर पहुंचाने की कोशिश है और इसीलिए इसको जमकर वायरल किया जा रहा है। लेकिन अंकुश, ये कोई नई बात नहीं है। विधानसभा चुनाव के दौरान खुले तौर पर कई चीजें सामने आई थी, कई लोगों के बयान सामने आए थे। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इस वक्त कांग्रेस के संगठन में छत्तीसगढ़ में। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर गड़बड़ है और अभी जिस तरीके से समीक्षाओं का दौर चल रहा है और उसमें जो समीक्षाएं की जा रही है कि हार कैसे हुई, उन हार के समीक्षाओं के दौरान कहीं ना कहीं नाराजगी भी देखने को सुनने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की गुस्सा जो है इन बैठकों के दौरान फूटता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि बहुत ज्यादा ये मामले वायरल नहीं हुए हैं, बहुत ज्यादा चर्चाओं में नहीं आए हैं, लेकिन पार्टी के नाराज कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सामने पहले भी झलकती हुई दिखाई दी है और अभी भी निकलती हुई दिखाई दे रही है। इस लेटर के माध्यम से वो तमाम बातें बताने की कोशिश की गई है जो जिन कारणों से हार हुई है। फिलहाल इस पूरे विषय पर जांच होगी और ये अभी बहुत जल्द स्पष्ट होगा कि आखिर ये लेटर किस नेता के द्वारा लिखा गया है और क्या जिस तरीके से उसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनके साथियों के उनके आसपास करीबी रहने वाले लोगों के ऊपर जो आरोप लगाए गए उस पर भी कहीं ना कहीं पार्टी उसके जरिए जांच कराने की कोशिश जांच कराने की बात कह रही है। लेकिन इसको लेकर अभी स्पष्ट तौर पर उन्होंने आधिकारिक पुष्टि नहीं की। लेकिन इसके मायने क्या निकाले जाए अंकुश, क्या कांग्रेस के अंदर एक धड़ा है ऐसा आपको महसूस हुआ हो फील्ड पर भी, जो चाहता है कि अब लीडरशिप का बदलाव यहां पर हो, भूपेश बघेल के अलावा कोई और नया नेता उभरे और
ऐसी कुछ मंशा दिखाई देती है क्या आपको नेताओं की? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर, और जिस तरीके से अब ये पूरा लेटर लिखा गया है और उस लेटर में मल्लिकार्जुन खड़गे को ये पूरी बातें बताई गई हैं, इसके अलावा वीरप्पा मोइली जो इस पूरे समिति के संयोजक हैं, हरीश चौधरी, इसके अलावा सचिन पायलट, इन तमाम लोगों के नाम लिखे गए हैं और उसमें कुछ कारण बताए गए हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का घमंड अहंकार के कारण जो है राजनीतिक संगठन को दरकिनार करके उन्होंने आदिवासी साहू और सवर्ण जो जातियां हैं उनको दरकिनार किया, उनको अपमानित किया, इसलिए हार हुई है। इसके अलावा जो घटनाक्रम हुए हैं जिसमें जो मुख्यमंत्री सचिवालय, पूर्व मुख्यमंत्री सचिवालय की सौम्या चौरसिया, रामगोपाल जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, गिरीश देवांगन जो पार्टी के बड़े नेता हैं, इन तमाम लोगों के नाम लिखकर आरोप लगाए गए हैं, तो स्वाभाविक तौर पर कहा जा सकता है कि पार्टी में वाकई बहुत ज्यादा ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि ये तमाम जब जांचें होंगी, जांच के बाद कार्रवाइयां होंगी, तो सब स्पष्ट हो जाएगा कि कौन से नेता इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे लेटर बम में इन्वॉल्व थे। अंकुश, लेकिन जिस तरह की चीजें हैं छत्तीसगढ़ में और आगे और भी बहुत सारे अब चुनाव होने हैं, चाहे वो नगर निगम के हों, उनसे पहले अगर इससे उभर नहीं पाएगी कांग्रेस, तो जो एक मजबूती दिखी पिछले 5 साल में 2018 से पहले और उसके बाद में, क्या यहां से संगठन और ज्यादा कमजोर तो नहीं होगा? क्योंकि सरकार के दौरान बेशक सरकार थी, लेकिन उस समय भी धड़े दिखते थे टीएस सिंहदेव, और अब भी क्या उन चीजों से पार नहीं पा रही है? क्योंकि हार की एक वजह यही माना गया जो धड़ेबाजी थी कांग्रेस के अंदर। देखिए लेकिन जब छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ था 2023 का, और उसके बाद जब बड़ी हार कांग्रेस पार्टी की हुई थी, उस हार के बाद जब कई पूर्व मंत्री मीडिया से मुखातिब हुए, तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें स्वीकार की थी जिससे स्पष्ट तौर पर झलका था कि पार्टी में गुटबाजी है। हम अगर बात करें पूर्व मंत्री अमरजीत भगत की, तो सबसे पहले वो पूर्व मंत्री थे जो हारने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए थे, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था, कैमरे के सामने कहा था कि सब एक दूसरे को निपटाने के चक्कर में चुनाव हारे हैं। एक दूसरे को निपटाने के चक्कर में का आशय जो है वो समझा जा सकता है कि उन्होंने कितनी बड़ी बात कही थी, क्योंकि ये बात किसी से नहीं छुपी है कि छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, उस दौरान ढाई ढाई साल के विषय की चर्चा हुई थी और बहुत ज्यादा समय नहीं बीता था सरकार बनने के बाद। कुछ ही समय बाद ये विषय बात खुल गई थी कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के तौर पर ढाई ढाई साल का कार्यकाल जो है वो तय हुआ है। उसके अलावा ऐसी बहुत सारी बातें हुई विधानसभा के अंदर भी, हम देखें विधानसभा के बाहर देखें, कई कांग्रेस के विधायक ऐसे थे जो सरगुजा संभाग से आते हैं, वो अपने बड़े नेता टीएस सिंहदेव के ऊपर कहीं कभी जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते नजर आए, कभी बृहस्पति सिंह विधायक जो है वो सरकारी अधिकारियों को बदतमीजी करते नजर आए, और उनसे जब जवाब तलब किया गया तो पार्टी के भीतर बैठक के भीतर भी वो नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए। ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जो टिकट न मिलने से अपने नेता के समर्थन में धरना देते नजर आए, तो तमाम चीजें गुटबाजी जैसी स्थिति जो है पहले देखने को मिली है। लेकिन अब जिस तरीके से ये पूरा लेटर बम फूटा है, उस लेटर बम में तमाम बातों का जिक्र किया गया है। जिक्र इस बात का भी है कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे कांग्रेस पार्टी के मोहन मरकाम को बाद में सरकार में मंत्री भी बनाया गया, लेकिन उस जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे उस दौरान उनके माध्यम से उनके समर्थकों ने ये आरोप लगाया था कि कांग्रेस पार्टी के ही संचार विभाग की तरफ से पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ जो है कई समाचार प्रकाशित करवाने के लिए जो प्रेस विज्ञप्ति है वो भी जारी होती थी। तो इस तरीके के आरोप पहले लगते रहे हैं, और उन्हीं आरोपों के बाद कई तरह के वाद विवाद जैसे बयान सामने आया, उसके बाद अब इस तरीके का एक लेटर बम। तो लेटर बम झलकाता है, बताता है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसमें कई गुट बन गए हैं और गुट एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका सीधा असर कहीं ना कहीं आने वाले निकाय चुनाव में पड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इसी गुटबाजी का नतीजा जो है कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में भुगता। शुक्रिया अंकुश आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो लेटर अब सामने आया है, ये समीक्षा के बीच कई सवाल खड़े कर रहा है संगठन पर भी, और अब देखना है कि इस पर कांग्रेस के नेता किस तरह से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं और सीधे तौर पर जो बड़े नेताओं के नाम हैं उनका जिक्र है और कैसे एक दूसरे को हराने की कोशिशें हुई, ये सारी बातें इसमें कही गई हैं।